हेलो फ्रेंड्स माई सेल ए जे आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ एन हाई लेवल एन एफ पी फ्रेमवर्क बेसिक एन एफ पी फ्रेमवर्क क्या है बेसिक कंसेप्ट क्या है अबाउट एन एन एस पी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वो हमारा प्रीवियस सेक्शन में कवर हो चुका है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी देन जो ये जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क ओके मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क क्या है एंड उसके रिकॉर्डिंगली जो भी डिफरेंट सेक्शन हमने कवर किए डिफरेंट लेक्चर्स लिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगी आप दोनों आपके अकॉर्डिंगली वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो देन यहाँ पे जाते हैं जैसे कि एन फ्रेमवर्क क्या है एंड उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट डोमेन कंसिडर होने वाले तो सिंपल कंसेप्ट है एन हाई लेवल एन फ्रेमवर्क सो हाई लेवल एन एफ वी फ्रेमवर्क सिंपल इट इज एन एन एफ वी फ्रेमवर्क सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क फंक्शन ओनली अ सॉफ्टवेयर ओके सॉफ्टवेयर ओनली इन द सेंस के अंदर क्या होगा जो भी चेंजेस है जो भी टास्क परफॉर्म करने वाले या जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले सभी के सभी ऑपरेशन हमारे एन एफ वी ओके सॉरी वी एन एफ के अंदर होने वाले वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन थ्रू ये सारे जो टास्क है यहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं। सो so, इसके अंदर कौन कौन से बेसिक थ्री डोमेन्स कंसिडर करने वाले हम जैसे एक डायग्राम आपके सामने वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन वर्चुअल इन दी एन एफ देन एन एफ वी नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन एंड द एन एफ वी मैनेजमेंट एंड ऑथरेशि यह बेसिक टास्क क्या होने वाले हमारे वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन का द कलेक्शन ऑफ वी एन एफ इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर एंड रन ओवर कहाँ पर रन होगा हमारे एनएफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने एनएफी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो एन एफ पी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा बेसिक जैसलाइक कंप्यूटिंग हार्डवेयर स्टोरेज हार्डवेयर एंड नेटवर्क हार्डवेयर हर एक सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होने के लिए रन होने के लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली थ्री टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हम इसके अंदर यूज करेंगे जैसे कंप्यूटिंग हार्डवेयर स्टोरेज हार्डवेयर एंड नेटवर्क हार्डवेयर वाय आर यूजिंग एन वर्चुअल लेयर्स हम वर्चुअल कंप्यूटिंग थ्रू वर्चुअल स्टोरेज एंड वर्चुअल नेटवर्क थ्रू क्या करेंगे इसके जितने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमें रिक्वायर है वर्चुअल डिवाइस रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ वर्चुअल डिवाइस के अंदर क्रिएट करेंगे एंड देन उसको मैनेज करने के देन हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज वी एन ई एफ वी मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेटर एन एफ पी मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेटर थ्रू हम क्या कहेंगे इसको मैनेज करेंगे द ऑर्केस्ट्रेटर वर्क लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज है एंड सॉफ्टवेयर वर्चुअल रिसोर्स है उनको मैनेज करने के लिए मैनेज करने के पर्पज के लिए हम यहाँ पे एन एफ पी मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेटर यूज करेंगे ओके okay, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि इसको वन बाय वन हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे इलेबरेट करेंगे इन नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे जितने भी नंबर्स ऑफ ए तीन डोमेन ओके अकॉर्डिंग टू थ्री डोमेन थ्री डोमेन को हम क्या करेंगे इलेबरेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हर एक डोमेन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑल बी पॉइंट्स कंसेप्ट है वो हम देखेंगे ओके okay? सो तो आज के लिए इतना ही इफ़ आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के रिगार्डिंगली कोई भी क्वेरी होगी कोई भी सजेशन होगा सो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में कर सकते हो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग